हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे यहाँ हस्बैंड जो है दुबई से मेरे लिए एक कार्टन में कुछ सामान भेज रहे हैं, तो वो सामान एक महीने में आने वाला था, बट जिसके हाथ वहाँ पर भेजा था तो उन्होंने क्या किया कि प्लेन से यहाँ भेज के उन्होंने शिप से भेजा, तो ये 3.5 महीने में हमें रिसीव हुआ है। जस्ट 15 दिन पहले ये रिसीव हो गया था, बट गाइज मैं यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इसीलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था, बट सामान चुका त्यों ही जैसे आया था लगेज में से निकाल कर ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है तो इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी वो मेरे लिए भेजते हैं, जैसे पहले 3 बार वो सामान भेज चुके हैं तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया है, तो आज भी ये वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या भेजा है। जो भी कुछ भेजा है वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ मार्केट से लोकल मार्केट से लेके आती हूँ या फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ सभी कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने क्या भेजा है वो आप देर न करते हुए आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे लगेज रखा हुआ है, तो मैं लगेज भी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये लगेज में आया था, लगेज कार्टन में बॉक्स में मतलब पैक था अच्छे से, तो ये 3.5 महीने में हमें रिसीव हुआ है। तो विंटर के लिए भी भेजा था गाइज, तो विंटर तो जा चुके हैं समर के सीज़न में, बट मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर ली है, थोड़ा ठंडा मौसम था जब बारिश हो रही थी कुछ दिन पहले ही, तो मैंने उसको ट्राई कर लिया था। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी और जो भी कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या भेजा है, और थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है जैसा कि मैंने अभी बताया मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घूमने के लिए भी गई हुई थी, तो वो भी पिक्चर्स मैंने एक दो शॉट में आपके साथ शेयर की है कि मैं कहाँ पर घूमने के लिए गई थी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सामान रखा हुआ है, और ये सही गाइस बताऊँ आपको ये कई दिन से इसी तरीके से रखा हुआ है, और क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना था, सब कुछ आपको दिखाना था कि मेरे लिए क्या क्या आया है, तो इसीलिए ये सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। तो मुझे अब थोड़ी सी जल्दी हो रही थी कि डस्ट हो जाती है थोड़ी सी, तो इसीलिए मैं इनको यहाँ से क्लीन करने के बाद इनको वॉश करने के बाद उनको उठाकर रखूँगी। तो सबसे पहले ये ऊपर रखा हुआ है, तो इसको भी मैंने एक बार ट्राई कर लिया है गाइस, तो ये है मेरे लिए एक यहाँ पर टॉप, तो आप देख सकते हैं कलर इसका पिस्ता ग्रीन सा शेड है इसका, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और जो काफ्तान टाइप में जो टॉप होते हैं ये उस तरीके का है, और हौजरी में इसका कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसका नेक है थोड़ा सा इस तरीके से फैला हुआ है, और ये इसकी स्लीव्स दी हुई हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको इस तरीके का ये इसका लुक है स्लीव्स का यहाँ पर, तो कुछ ये इस तरीके का टॉप है जिसका शेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो गाइज उसके लिए सॉरी। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कैट बनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, और ये कुछ मिडी स्टाइल टॉप है, अगर आप इसको मतलब मैं यानी कि तो इसको विदाउट मतलब इसको ऐसे सिंपल भी इसको पहन सकती हूँ, तो ये मेरे नीज से भी नीचे आ रहा है गाइज, तो मैं इसको इस तरीके भी पहन सकती हूँ, ना कि इसके नीचे कैपरी वगैरह डालते हुए भी, तो मैं इसको डाल सकती हूँ, बट इसके अंदर अगर कैपरी पहन लेते हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, तो किसी भी तरीके से इसको पहन सकते हैं। और ये बैक साइड में भी इसमें यहाँ पर किट्टी बनी हुई है, देख सकते हैं आप एक कैट बनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, कलर तो इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। तो ज़्यादा मैं आपको मतलब देर ना करते हुए फर्स्ट ये वाला हो गया तो दिखा देती हूँ, और जैसा कि मैंने बताया विंटर के लिए भी भेजा हुआ था, तो एक ये वाला टॉप है जिस ये भी पहनने के बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैंने इसको ट्राई किया है, सिर्फ एक ही ट्राई किया है ये विंटर का, तो ये इस तरीके का वी नेक में है, इसे आप चाहे तो जैगिंग के साथ भी पहन सकती हूँ, या फिर मैं इसको प्लाजो के साथ पहन सकती हूँ, जींस के साथ पहन सकती हूँ, तो ये घर में पहनने के लिए है गाइस, तो बैक साइड से भी कुछ इस तरीके का है। और इनके कपड़े की बात करूँ तो क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखने से भी आपको पता चल रहा होगा, तो थोड़ा सा कैमरा इधर कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का है, फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड सॉरी, और एक और है इसी के साथ का, मैं आपको दिखाऊँ ये वाला शेड है, बल्कि वो वाला शेड जो मुझे है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ये वाला थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें नेवी ब्लू कलर जो फूल वगैरह में होता था ना, तो ये वो वाला शेड दिया हो तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे कम पसंद आ रहा है,
तो एक ये वाला हो गया और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, और बस बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े विंटर में नहीं डाले जाते, तो इसी तरीके से घर में पहन सकते हैं हम इनको। ये पतला सा हमने टॉप डाल लिया, और जींस वगैरह लेगिंग जो भी डालनी है, जैगिंग वगैरह, तो उसके साथ डाल सकते हैं। दोनों सेम तरीके के हैं ये, और एक ये वाला है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो एक ये वाला हो गया, तो मैंने इस वाले को मैंने ट्राई किया है, और इसमें एक पिक किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैंने ट्राई कर लिया, तो उस दिन ठंडा मौसम हो रखा था काफ़ी, तो मैंने इसको ट्राई कर लिया था। तो एक ये वाला है, और ये भी मुझे सुंदर लग रहा है इसका कलर वगैरह। तो एक ये हो गया, और एक ये लोवर है जो इस तरीके से पिंक शेड का है, तो बेबी पिंक शेड है इसका, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर इसमें वेस्ट पर एक इलास्टिक लगी हुई है, दो पॉकेट दी हुई हैं, और काफ़ी अच्छी पॉकेट है मोबाइल तो, बट यहाँ पर आ जाएगा, बट गिरने का थोड़ा डर रहता है। और यहाँ से ये इस तरीके से बंद वाले जो होते हैं इलास्टिक वाले वो हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टफ है इसका, काफ़ी अच्छा इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और सुनील के बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही ज़्यादा वॉर्म होते हैं ये, और बहुत ही मज़ा आता है इसको पहनने में भी विंटर में, तो घर में बहुत मज़ा आने वाला है इसको पहन के। नेक्स्ट ये वाला है, ये वाला शेड भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, और ब्लैक कलर के टॉप के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो सेम डिज़ाइन अलग अलग है, प्रिंट अलग है, बट जो इनका क्वालिटी है सेम है, और इस तरीके से सेम है, यहाँ थ्रेड से लटक रहे हैं इसमें, तो कुछ इस तरीके का है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये वाला शेड, ग्रे कलर आप देख सकते हैं। लेंथ काफ़ी है, मुझे काफ़ी लंबे आएंगे ये, मैंने इसको बट ट्राई नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छे हैं, और विंटर के लिए तो बेस्ट है, और घर में इनको पहन सकते हैं किसी भी तरीके से, ठंड लगने वाली नहीं है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँ एक, ये मेरी कैप्री है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है गाइस, और कैप्री मुझे समर में गाइस मुझे कैप्री ही पसंद आती है, क्योंकि मैं जो अगर लोवर या फिर प्लाजो वगैरह डालती हूँ तो उनको मुझे ऊंचे ऊंचे करके रखने पड़ते हैं, तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो ये मुझे कैप्री है। और ये कलर इसका गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ग्रे कलर है इसका, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, और आप देख सकते हैं नीचे से कुछ इस तरीके से ये पड़ी रहेगी पहनने के बाद पैर में। तो इसका शेड है ना जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये सिंगल है, इसके साथ टॉप नहीं मैंने लिया था, तो मैंने ही इसको पसंद किया था, मुझे एकदम दिखाई दिया है मॉल में, तो मैंने वीडियो कॉल में देखा था, तो मैंने जस्ट से बोल दिया था एकदम फटाफट से कि हाँ मुझे चाहिए, मैंने इसको अच्छे से भी नहीं देखा था, बस ऐसे टंगी हुई थी, तो मैंने इसको बोल दिया कि मतलब अपने हस्बैंड को कि ये मुझे चाहिए ज़रूर। और मैंने ये एक ग्रे कलर का, और एक मैंने सेम गाइस पहना हुआ है ब्लैक कलर का, तो इसको मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया, और उसको सेम मैंने आते ही जस्ट एकदम इसको पहन लिया था, क्योंकि मुझे कैप्री की बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी, और मेरे पास इस टाइम एक कैप्री है जो मैंने निकाल रखी है, और मतलब दो एक कैप्री में मैं नहीं पहनती हूँ, वो मेरी नई है, तो वो मुझे थोड़ी अनकम्फर्टेबल है, और दो मेरी पुरानी हो गई हैं गाइज, तो मुझे कैप्री बहुत ज़्यादा ही मतलब समर में चाहिए ही चाहिए, तो ये मुझे थी की होगी। और एक मैंने ब्लैक कलर की पहनी हुई है गाइस, तो मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लैक कलर का पहना हुआ है सेम, तो इसको मैंने नहीं ट्राई किया, बट इसका शेड भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसके साथ मैं पास टॉप है एक ब्लैक कलर का, मैं उसको चला सकती हूँ, और ब्लैक के ऊपर तो सभी टॉप चल जाते हैं, जैसे कि मैंने आज शर्ट पहन के बैठी हूँ, और नीचे मैंने कैपरी पहन रखी है, वीडियो बना रही हूँ, बट तबीयत ठीक हो चुकी है, बट इतना अभी नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस फील होती है, तो जैसे ही मैं घूमने के लिए गई हुई थी, सिस्टर के यहाँ भी गई थी, तो वहाँ से मेरे आने से दो दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर मैं जस्ट से अपने फटाफट से अपने घर आ गई कि बस मुझे रेस्ट चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जैगिंग है गाइज, और ये भी ब्लैक कलर की है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, तो मैंने इसको ट्राई किया, और ये चीज़ें भी मैंने इसीलिए ट्राई की क्योंकि इनको आए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं गाइस, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लग रही थी जल्दी से कि इनको कुछ पहन के दिखा दो, पहन के दिखा दो, तो साइज़ का एग्जैक्ट पता चल जाए, क्योंकि मैं मोटी हूँ काफ़ी, तो इसलिए उनको चिंता हो रही थी कि मैंने भेजा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो इसका 32 साइज़ है, बहुत ही अच्छे से फिट हो रखी है बढ़िया, बट मुझे हल्का सा लूज़ कपड़े पसंद है, तो बहुत ज़्यादा फिट नहीं कि, तो मैं अगर चाह रही थी 34 भी होता तो मुझे चल जाता अच्छे से, तो ये 32 साइज़ है, बट बहुत बढ़िया से आ रखा है, तो इसकी एक पिक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने इसमें पहनी हुई है। और जो इसकी क्वालिटी की बात करें गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी,
तो कुछ ये इस तरीके की ये ब्रांड है इसमें। तो प्राइस मैं नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ पर वो तो धर्म में चलता है, इसीलिए वहाँ का हिसाब लगाना पड़ता है, तो वो मैं नहीं बता सकती आपको। तो ये जैगिंग हो गई ब्लैक कलर की जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, और एक यहाँ पर शर्ट है बॉयज़ की, तो ये है ब्लैक कलर की शर्ट। और इसकी जो क्वालिटी की बात करूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल कपड़ा है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो ये कुछ इस तरीके की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर नहीं मिलता है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि वीडियो कॉल में हम डिज़ाइनिंग देख सकते हैं बट क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं पता चलती है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये है टी शर्ट ब्लैक कलर की, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने लास्ट में दिखाया, जो मेरा फेवरेट और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे मुझे सब कुछ पसंद आया, जैसे कि मुझे कैप्री भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जैगिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये है मेरा ब्लेज़र जो कि विंटर के लिए जनवरी में ये आने वाला था, क्योंकि मुझे घूमने के लिए जाना था। तो ये आए ही नहीं तो यहाँ पर मैंने फिर एक रेड कलर का ले लिया था, तो उसी से मैंने काम चलाया। तो इसके साथ यहाँ पर एक बेल्ट है, और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये जिस तरीके की अब मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है, जैसी कुर्तियाँ वगैरह चल रही हैं उन सनील आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का जो चल रहा है उसी में ये मेरा ब्लेज़र है, ये इसकी बेल्ट है। और मैंने इसको भी गाइस एक बार जो मेरी तबीयत ख़राब थी उसी में मैंने इसको डाल कर देख लिया था, तो क्योंकि इसकी जो आने का इंतज़ार किया था मैंने बहुत ही ज़्यादा किया, कि मुझे लग रहा था कि आ जाए जल्दी से तो मैं इसको पहन कर कहीं जाऊँ, बट ये आया समर में। तो ये इसमें यहाँ पर इसकी स्लीव्स हैं, और इसका कलर गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो मैंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ ब्लेज़र आप ले लेना, और मैंने नेट से सर्च किया फटाफट से और दिखा दिया कि मैंने कहा ये वाला शेड और यही वाला डिज़ाइन अगर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये इसी तरीके का सेम यही शेड मैंने भेजा था, बट दो इमेज भेजी थी, एक पिंक शेड में भेजी थी, और आपको पता है कि पिंक शेड हमने डेली ने मतलब इसको तो कलर को ऐसा है कि कितनी बार भी पहन लें गाइस इतना ज़्यादा नहीं पता चलता और सब पे चल जाता है। हम लेडीज़ का यही होता है कि हाँ भाई सब पे चलना चाहिए, तो पिंक नहीं लिया और ना ही पिंक वहाँ पर था अवेलेबल, वो तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया था कि इमेज में ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये वाला रस्ट मस्टर्ड सा कलर है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और शेप इसकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ मुझे साइज़ का इशू रहता है कि मोटी हूँ तो साइज़ आए ना आए, क्योंकि टाइट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पहनने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनिंग इसकी सुंदर है गाइस, और इसकी फिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा मस्त आई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अगर आप कहें तो मैं इसको एक बार आपको डाल के दिखाऊं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बट ऐसा नहीं कि इसको नहीं पहन के दिखा सकती आपको। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी फिटिंग वगैरह जो है ना, पर कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। तो इसको आपको दिखाऊं थोड़ा सा, इसका और आप देख सकते हैं इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। गर्मी लगने लगी यार, तो इसको मैंने आपको दिखा दिया, नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थे मेरे प्रोडक्ट जो मेरे लिए दुबई से भेजे हैं मेरे हस्बैंड ने। जो भी है उसमें से आपको कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का मुझे ही इंतज़ार रहता है। और तो आप वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।